सो वी आर स्टडिंग टेंजेंट एंड सिकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल. सो लेट अस चूज द सर्कल, और सर्कल का ये एक फिक्स पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर. और हमने एक पॉइंट को लिया और उस पॉइंट से हमने एक लाइन को पास किया, ये पॉइंट से लाइन को पास किया. दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट एट दिस पॉइंट, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट एट दिस पॉइंट. और उसके बाद हमने रेडियस को लिया, और रेडियस जो होगी वो इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगी. दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस, है ना. सो मैं क्या लिखूंगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ऐसे लिखेंगे, या ये लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने उसको लिख दिया. तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना. तो इसको एक बार मैं तुम्हें पढ़ के भी सुना रहा हूं. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, पॉइंट कौन सा है ये, इसको रख लो पॉइंट पी. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट, और इसी पॉइंट पी से जो रेडियस है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. और जो पॉइंट है वो कहीं पे भी चूज कर सकते हो. यू टेक अनदर पॉइंट क्यू एंड पास ए लाइन थ्रू दिस क्यू. नाउ दिस इज द सेकंड टेंजेंट टी वन, राइट. और यहां से भी इसको रेडियस को दिखा दो आर. सो अगेन आई विल से दैट टी वन द न्यू टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू, नाउ अगेन इट इज परपेंडिकुलर टू आर, राइट. कहीं पे भी सर्कल पे कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं. लेट अस चूज वन मोर पॉइंट. सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने एस. अब इस एस से हमने एक लाइन को पास किया, नाउ दिस इज टेंजेंट, और इस टेंजेंट का नाम रख लिया टी टू. और यहाँ से रेडियस को लिया, रेडियस इज परपेंडिकुलर. यहाँ पे भी रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर. सो नाउ अगेन टी टू इज परपेंडिकुलर टू दिस आर. हर बार क्या होगा कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होंगे. दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट. नाउ लेट अस डू द सेकंड प्रॉपर्टी. सो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है. इफ टू सर्कल टच, अगर हमारे पास दो सर्कल हैं, और ये लिए हमने दो सर्कल, ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, राइट. इसका सेंटर रख लो ओ, सेंटर का नाम रख लो ए. और दूसरा सर्कल लिया हमने, दूसरा सर्कल इस सर्कल को टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है इस पॉइंट पे. और इस सर्कल का जो सेंटर है वो मान लिया है बी. पहले सर्कल का सेंटर ए है, दूसरे सर्कल का सेंटर बी है, और दोनों सर्कल यहाँ पे टच करते हैं. और ये वो पॉइंट मैंने इस छोटे से रेड डॉट से दिखाया कि ये इस पॉइंट पे टच करते हैं. सो इफ टू सर्कल टच द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. अब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जो मैंने रेड डॉट से दिखाया, सो ये एक्चुअली हम इससे एक लाइन पास कर सकते हैं. वी कैन पास ए लाइन थ्रू दिस पॉइंट विच इज ज्वाइनिंग द टू सर्कल, जो दोनों सर्कल को टच करता है. ये एक लाइन हमने पास की, स्ट्रेट लाइन पास की, तो ये इस पॉइंट के ऊपर से पास करेगी. एंड दिस इज ए कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल, दिस इज ए कॉमन टेंजेंट. सो टेंजेंट ऑलरेडी हमने पढ़ा, अब ये क्या हो गया, दो सर्कल का कॉमन टेंजेंट हो गया, राइट. तो कॉमन टेंजेंट तो हो गया. अब देखो ये भी हमने पढ़ा है कि ये जो रेडियस होगी इसकी आर ए, इसका नाम रख लो. तो यहाँ पे आर ए इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी. इधर से ये आर बी रख लो, इसका नाम आर बी. तो ये आर भी इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी. तो मैं क्या लिखूंगा, इस कॉमन टेंजेंट का नाम रख दिया मैंने कैपिटल टी, कैपिटल टी. सो हम क्या लिखेंगे, कॉमन टेंजेंट कैपिटल टी इज परपेंडिकुलर टू आर ए, एंड कॉमन टेंजेंट टी इज परपेंडिकुलर टू आर बी. सो ये दोनों के परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है पूरी ए बी, ये जो पूरी लाइन है ए बी, नाउ दिस लाइन ए बी, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट टी, कॉमन टेंजेंट टी. अब ये पूरी लाइन सेंटर टू सेंटर की जो लाइन है, ये पूरी लाइन इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, राइट. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तो दोनों सर्कल इस पॉइंट पे टच करते हैं, बट हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि अगर ये छोटे वाला सर्कल इस बड़े वाले सर्कल के अंदर आ जाए तब क्या होगा. सो ये हमारा बड़ा सर्कल है,
राइट, और छोटे वाला सर्कल इसके अंदर आ जाए, बड़े वाला सर्कल का जो सेंटर पॉइंट था वो ए था, अब छोटे वाले सर्कल को मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूं, अब ये इसके अंदर आ गया, और छोटे वाले सर्कल की जो सेंटर था वो बी था, वो बी था, ये बी है। अब इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों सर्कल का अभी भी वही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये बीच में जो हमने रखा था, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक लाइन हमने पास की, और ये तो पता ही है ये कॉमन टेंजेंट है, दिस इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। तो अभी भी सब कुछ वही रहेगा, पहले क्या था दोनों सर्कल एक दूसरे से टच करते थे और छोटे वाला सर्कल बाहर था, राइट, अब क्या कि छोटे वाला सर्कल अंदर चला गया, तो अब भी वही होगा। अब देखो छोटे वाले सर्कल से अगर एक रेडियस ड्रा करें तो वो इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस को मैंने क्या लिखा था, आर बी। सो अभी भी आर बी क्या है, आर बी अभी भी ये परपेंडिकुलर है कॉमन टेंजेंट की, है ना। ऐसे ही मैं बड़े वाले सर्कल से एक लाइन ड्रा करूं, है ना, बड़े वाले सर्कल से, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है, आर ए, तो वो भी परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट है, राइट। तो यहाँ पे भी मेन वही चीज रहेगी कि ये जो पूरी लाइन है, इसको पूरा ए पी नाम रख लो, तो ये लाइन ए पी, ए से बी तक तो उनका सेंटर टू सेंटर आ गया, और बी से लेके पी तक हम आगे गए, तो ए पी इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट। बात पकड़ में आ रही है बात पकड़ में आ रही है ना, राइट। सो ये पहली प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर थ्री। एज पर आवर सिलेबस प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या है, फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल, एनी पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल, आउटसाइड ए सर्कल, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। बिल्कुल इजी है, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड दे आर इक्वल इन लेंथ, दे आर इक्वल इन लेंथ। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। कैसे देखो, करते हैं इसको। सो लेट अस ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल को ड्रॉ किया हमने, ये सर्कल का सेंटर हो गया, है ना। हमने एक आउटसाइड पॉइंट को लिया, आउटसाइड पॉइंट ये चूज कर लिया, एक आउटसाइड पॉइंट, राइट, इसका नाम रख दिया पी। अब इस पी से हमने दो टेंजेंट लगाए, एक टेंजेंट तो ये लगा दिया इस पॉइंट पे, इसका नाम रख दिया ए, ठीक है ना, ये हो गया टेंजेंट टी। अब दूसरा टेंजेंट ये लगाया हमने, और ये पॉइंट यहां पे आ गया बी, ये भी एक टेंजेंट हो गया, राइट। तो एनी पॉइंट आउटसाइड सर्कल वो कौन सा है, ये है आउटसाइड पॉइंट, ये है आउटसाइड पॉइंट, ये है। अब इस आउटसाइड पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रा कर दी हमने, दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, है ना। आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो सामने दिख रहा है, दे आर इक्वल इन लेंथ, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ए तो हम क्या बोलेंगे, हमने ये लिया, ये इनसाइड पॉइंट, ये आउटसाइड पॉइंट, दो टेंजेंट हमने लगाए, और तो हम क्या लिखेंगे दो टेंजेंट के लिए, ये आउटसाइड पॉइंट पी है, इसको हमने रखा ए, इसको हमने रखा बी। सो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। सो ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ए पी इज इक्वल राइट, सो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है भाई। तो ये हम कर चुके हैं सेकंड प्रॉपर्टी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट। जस्ट ए मिनट, मेरी आवाज आ रही है सभी को? आदित्य, ईशांत, वंश, नेटवर्क का इश्यू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, आवाज आ रही है ना आदित्य, ईशांत? यस सर,
हाँ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू बार बार आ रहा है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बच्चों, इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना, इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब इसको जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को मैं भेज रहा हूँ, इसको मैं यस रिकॉर्डिंग भी सर, भेज रहा हूँ आप लोगों के पास, ठीक है ना। और इसके बाद फिजिक्स का ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है।